देश की जनता ने हमेशा भाजपा को निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा ही दिया है और हिमाचल में भी भाजपा अपने लक्ष्य 50 प्लस को पूरा करते हुए 60 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। ऐसे जीत के दावे हमीरपुर में प्रचार करने पहुंचे भाजपा के स्टार प्रचारक और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी ने किए। तिवारी ने कहा कि जो परिवर्तन की लहर हिमाचल प्रदेश में चली है उसे देखते हुए लग रहा है कि भाजपा 60 से भी ज्यादा सीटें जीतकर प्रदेश की सत्ता में आएगी। अब जितना हम लोग कहते हैं जनता उससे ज्यादा देती है। हमने दिल्ली के चुनाव में हम लोगों ने 272 में 150 का लक्ष्य रखा, लोग 181 दे दिए। उत्तर प्रदेश में हमने 300 का लक्ष्य रखा था, 325 दे दिए। तो मुझे लगता है कि अब मैं तो सोच रहा हूँ कि हिमाचल में 50 क्या बहुत ज्यादा लोग देंगे, लेकिन ठीक है, आप सबसे बात करने के लिए हम भी एक टारगेट मानते हैं कि हमें 50 प्लस ही मिलेंगे, तो 50 प्लस में 65 भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में कुछ करने के लिए बदल ले फिर चुनाव के बाद खुद बदल जाए, ऐसा हम नहीं करते। हमारी लगातार कोशिश है कि जिस प्रकार जितना समय मिला है कांग्रेस को इस देश को ठीक करने के लिए, अगर उसका चौथा हिस्सा भी मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, तो इस देश की जो स्थिति होगी दुनिया हमारे पीछे होगी।